हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इसी यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस परिवार में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ लेके आए हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में अवकलन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन 10+2 BSc MSc BTech पॉलीटेक्निक एंड अदर कोर्सेज जिसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, TGT PGT और सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सीरीज़ है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की सीरीज़ में हम लगभग 10 या 12 लेक्चर्स में डिफरेंशिएशन को ओवरऑल हर टॉपिक को डीपली डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज डिफरेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट और मीनिंग के डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए कि लेट y = f(x) कोई फंक्शन है एक्स का, जहाँ पे एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशिएशन का जो नोटिफिकेशन होता है, जो नोटेशन होता है, जो सिंबल होता है, वो होता है d/dx(y). इसका मतलब यह है कि जो है, अगर कहीं आपको दिख जाए d/d, तो d/d जो है वो डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है, और डिनोमिनेटर में d के साथ अगर x है तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करना है। अगर यहाँ पे dx के प्लेस पर dt होता तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अगर यहाँ पे d के साथ x की जगह थीटा होता तो d थीटा होता, इसका मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। कहने का मतलब यह है कि डिनोमिनेटर के d के बाद अगर x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, y है तो y के रिस्पेक्ट में करना है, z है तो z के रिस्पेक्ट में करना है, t है तो t के रिस्पेक्ट में करना है, थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद d/dx के बाद जो भी फंक्शन रहेगा उसका डिफरेंशियल करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो डिफरेंशिएशन का जो जनरल सिंबल होता है, जो डिनोट करते हैं, उसे dy/dx के रूप में भी कर सकते हैं, d/dx(y) या d- या या y- या y1 या d/dx(f(x), d- या f- या D(f(x) या dy। ये सब जो है डिफरेंशिएशन के सिंबल्स हैं जिससे हम डिफरेंशिएशन को जनरेट रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम बात करें कि डिफरेंशिएशन को कैसे हम डिफाइन करेंगे, उसका डिफिनीशन क्या होता है, तो हम इसे दो तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं, फिजिकल डेफिनीशन एंड ज्योमेट्रिक डेफिनीशन। सबसे पहले हम फिजिकल डेफिनीशन के बारे में बात करते हैं। फिजिकल डेफिनीशन की बात करें तो फिजिकल डेफिनीशन डिफरेंशिएशन का होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इनडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब यह है, अगर y = f(x) कोई फंक्शन है जहाँ पे x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो किसी भी फंक्शन में यदि किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने पर उसके डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज होता है उसे हम, उस रेट को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन को हम दूसरे रूप में कह सकते हैं, dy/dx = होता है चेंज इन y/चेंज इन x, या शॉर्ट में इसे हम dy/dx के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे दो वर्ड कॉमन यूज किया जाता है, कहीं कहीं आपको डिफरेंशिएशन दिख जाएगा और कहीं कहीं आपको डेरिवेटिव दिख जाएगा। तो डिफरेंशिएशन मतलब होता है हिंदी में अवकलन, और डेरिवेटिव मतलब होता है अवकलज। इसका मीनिंग क्या हुआ, आइए वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसकी सबसे पहले इसकी मीनिंग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है, और डेरिवेटिव क्या होता है, उस प्रोसेस का रिजल्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं, आइए आपके सामने डिस्कस करते हैं अब ज्योमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ज्योमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में बात करें तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि डिफरेंशिएशन के एक डेफिनेशन को कॉमनली आपने कई बुक में स्टडी किया होगा, जिसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। वह होता है स्टूडेंट, लिमिट h टेंस टू जीरो f(a+h)
माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ठीक है स्टूडेंट। इसी को हम डिफरेंशियल बोलते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। वास्तव में इसकी जो ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। वास्तव में अगर हम किसी भी फंक्शन, मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, उसका हम x इक्वल टू किसी भी पॉइंट x इक्वल टू a पर dy by dx निकालें, तो वास्तव में ये dy by dx जो है tan थीटा के इक्वल होता है। अब ये आप पूछेंगे या ये प्रश्न उठता है कि थीटा क्या होता है, इसका dy by dx के फंक्शन से क्या संबंध है, और इस पर x इक्वल टू a जो पॉइंट है इस पर क्या महत्व या क्या प्रभाव या क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो आइए हम इसको ग्राफ के जरिए इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है सुन। तो ग्राफ के जरिए इसे हम इसे डिफाइन करेंगे। तो आइए ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट, आपके सामने ये ग्राफ दिख रहा होगा स्टूडेंट। अब आपके सामने देखिए, मान लीजिए कि हमें दो एक्सिस हैं, यहाँ पे हमने ये एक्स एक्सिस बना दिया और यहाँ पे वाई एक्सिस बना दिया। अब ये कोई मान लीजिए किसी फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका जो फंक्शन का ग्राफ मान लीजिए ये ग्राफ है सपोज दैट, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट a है और इसी पॉइंट पे हमने मान लिया कैपिटल A, और x इक्वल टू a इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो थोड़ा सा इस ग्राफ में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हमने एक पॉइंट ले लिया B और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, यहाँ पे मान लिया x इक्वल टू a प्लस h। तो कहने मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो h है, h जो है यहाँ पे तो ज़्यादा दिख रहा है लेकिन ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब x के रिस्पेक्ट में हमने मान लिया कैपिटल A का जो वैल्यू है वो y एक्सिस पे है f ऑफ a, और b का y एक्सिस पे f ऑफ a प्लस h। तो इसे हम अगर यहाँ पे मीट कराएंगे तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और यहाँ से a और c का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल h है, और b और c का डिस्टेंस है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, ठीक है। अब हमने मान लिया राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है थीटा, ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो अब tan थीटा का फॉर्मूला, जिसका हम टेंजेंट निकाले स्टूडेंट, तो tan थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ हो जाएगा bc सी अपॉन ए सी, bc की वैल्यू यहाँ पे है स्टूडेंट f ऑफ a प्लस h, क्या है bc की वैल्यू है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, और ac की वैल्यू है h। तो यहाँ अगर मगर हम लिख देंगे तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। अगर इसी में हम लिमिट लगा दें स्टूडेंट, तो लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a पूरे का अपॉन h इक्वल टू, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन dy बाई dx, इसी को हम dy बाई dx बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए, जैसे जैसे हमारा ये h जीरो की तरफ टेंड होता है तो हम a पे पहुँच जाएंगे, और a पे पहुँच जाएंगे तो ये हमारा जो ए बी है यही हमारा जो है एक टेंजेंट का काम करेगा, और इसे हम और x एक्सिस पर अगर मीट कराएं, एक्स एक्सिस पे अगर मीट कराएंगे तो ये देखो यहाँ एक्स एक्सिस पे मीट करेगा और ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो अगर हम ज्योमेट्रिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसे एक्सप्लेन करें तो इसे हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। कहने का मतलब ये है कि टैन किसी भी पॉइंट पर, कहने का मतलब यह है किसी भी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, किसी भी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर अगर हम डिवाई बाई डी एक्स निकालें, अगर हम डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करें, तो वो वैल्यू वास्तव में उस फंक्शन के ग्राफ, अगर उस फंक्शन पर एक ग्राफ खींचा जाए तो उस ग्राफ के पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर टेंजेंट अगर खींचा जाए और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस पर जो एंगल बनाता है उसके टैन थीटा के वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट। अगर इसे हम और डिटेल में कहें तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं स्टूडेंट, इसे हम कह सकते हैं कि टैन थीटा डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू, इसे हम बोल सकते हैं स्टूडेंट डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, और ये इक्वल टू होता है टैन थीटा के वैल्यू के। कहने का मतलब है किसी भी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर किसी फंक्शन का डिफरेंशियल की वैल्यू
उस फंक्शन के ग्राफ पर x इक्वल टू ए पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट के एंगल के टेन की वैल्यू के इक्वल होता है, जहां पर थीटा को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एट पॉइंट x इक्वल टू ए ऑफ द फंक्शन। थीटा वहां पे होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया डेफिनेशन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया और उसके डेफिनेशन बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।